नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 12 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता। ठीक है, इसके ऊपर के सभी अध्यायों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल करा चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय 12 पर। तो यह है अध्याय 12, पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता। इसको इंग्लिश में कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैव विविधता का इंग्लिश होता है बायोडाइवर्सिटी। और देखिए, पौधों का होता है प्लांट्स, जंतुओं मतलब एनिमल्स, और संरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, तो आज इस अध्याय में हम लोग 6 बिंदुओं को अच्छे से समझेंगे, जिसमें से पहला है जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या है जैव विविधता। फिर उसके बाद दूसरे बिंदु हम लोग समझेंगे कि जैव विविधता का क्या महत्व है ना। उसके बाद फिर तीसरे बिंदु में हम लोग समझेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है ना, संरक्षण कैसे करेंगे। उसके बाद फिर चौथे बिंदु में हम लोग समझेंगे विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट जीव जंतु क्या है। उसके बाद फिर पांचवे में हम लोग समझेंगे कि विलुप्त प्राय यानी इनडेंजर्ड जीव जंतु क्या है। उसके बाद फिर अंतिम बिंदु हम लोग समझेंगे कि रेड डाटा बुक क्या है। और उसके बाद फिर अंत में इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो इसका परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियाँ तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध। ठीक है, यही क्या है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है। अब देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैव विविधता, जैव मतलब जितने भी सजीव है इस पृथ्वी पर वो, और विविधता मतलब होता है अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर बसे हुए हैं, आप जानते ही हैं। जैसे देखिए, पानी में रहने वाले जीव हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, छोटी छोटी मछलियाँ, बहुत सारे जीव हैं, हजारों लाखों की संख्या में जीव पानी में रहते हैं। फिर स्थल पर रहने वाले जीव हैं, हम मानव हैं, जानवर है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, पहाड़ों पर रहने वाले, जमीन के अंदर रहने वाले, चूहा बिल्ली, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो स्थल पर रहते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं हजारों लाखों की संख्या में जो आकाश में उड़ते हैं, चिड़िया है, पक्षी है, है ना। इसके बाद भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है। फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, घास है, फूस है। तो इतना अलग अलग प्रकार का जो जीव है, यही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, इन्हीं का, इन जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव है, इनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध क्या कहलाता है, जैव विविधता। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है जैव विविधता का महत्व। यानी अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि हमारे पृथ्वी पर इतने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इनसे हमको क्या लाभ है। ठीक है, इससे हमारे पर्यावरण को क्या लाभ है, यही अभी हम समझेंगे। तो देखिए, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, किसी न किसी तरह एक दूसरे को हमेशा लाभ पहुँचाते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के लाभ पहुँचाने के कारण ही वे जिंदा रह पाते हैं। ठीक, तो जैव विविधता के कारण ही हम इस पृथ्वी पर स्वस्थ और सुखी जीवन जी पाते हैं, हम भी। ठीक, अब देखिए कैसे जी पाते हैं। तो हम जीने के लिए सबसे पहले हमारा जीने का जो मेन मुख्य ज़रूरत है वह क्या है, हम जो सांस लेते हैं वह, और हम जो भोजन खाते हैं वह। ठीक, अगर यह दोनों नहीं रहेगा तो हम जी ही नहीं पाएंगे। अब और देखिए, हम जो सांस लेते हैं और जो हम भोजन करते हैं, वह सब का सब कहाँ से आता है, वह सब पेड़ पौधे से आता है और जीव जंतु से आता है। ठीक है, अब कैसे, तो देखिए, हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वह कहाँ से आता है, वह पेड़ पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो ऑक्सीजन छोड़ता है, वही ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं। ठीक, अच्छा, फिर हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वह पेड़ पौधा लेता है। तो एक तरह से हम पेड़ पौधे पर निर्भर हैं और पेड़ पौधा हम पर निर्भर है। तो पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक, अच्छा, हम लोग जो खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, अन्न खाते हैं, वह सब कहाँ से आता है, पेड़ पौधा से आता है, है ना। या फिर आप दूध खाते हैं, अंडा खाते हैं, यह सब कहाँ से आता है, जीव जंतु से आता है। तो बिना पेड़ पौधा या जीव जंतु के आपका जीवन व्यर्थ है, आप जी ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यह तो हमारा मूलभूत आवश्यकता है जो हम पेड़ पौधा और जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ही बहुत सारा जरूरत है जो हम प्राप्त करते हैं, जैसे कपड़ा हम पहनते हैं, वह सब कहाँ से आता है, पेड़ पौधा से आता है। घर बनाते हैं, उसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, यह सब कहाँ से आता है, पेड़ पौधा से ही आता है। दवाई बनता है, यह सब पेड़ पौधा से बनता है। हम ईंधन के लिए क्या करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और LPG गैस, पेट्रोल, डीजल, यह सब जो ईंधन अभी हम जला रहे हैं, वह सब क्या है, यह सब पेड़ पौधा का ही अवशेष सब है
है ना, हजारों लाखों साल पहले जो पेड़ पौधा नीचे दब गया था वह उसी सब का अवशेष है। उसके बाद फिर हम यह जो जीव जंतु है वह क्या करते हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। आप जिस खेत में जो आपका जो फसल उपजता है वह खेत जो है उस खेत में सूक्ष्म जीव और केचुआ यह सब नहीं रहेगा तो उसमें फसल होगा ही नहीं अच्छा, ठीक है। तो एक तरह से आप फसल भी उपजा रहे हैं किसके कारण, जीव जंतु के कारण ही। अच्छा, यह जो जीव जंतु है यह पेड़ पौधे जो हैं यह हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से ही बचाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है हमारे ये पृथ्वी पर, तो उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, पेड़ पौधा सोख लेता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी हमको यह बचाता है, ठीक। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ वर्षा ही नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से हम देखें तो जैव विविधता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है। जैव विविधता अगर नहीं रहेगा तो हम इस पृथ्वी पर जी ही नहीं पाएंगे। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है जैव विविधता का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए जैव विविधता से हम इतना सारा चीज़ प्राप्त कर रहे हैं और हम इसी के कारण जिंदा भी हैं, तो इसे बचाना भी, इसको रक्षा करना भी हमारा क्या है, कर्तव्य है, ठीक। तो आपका अगला पॉइंट है वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण क्या है, आवश्यक है, ठीक है। अब क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं धीरे धीरे। इतना ज़्यादा फैक्ट्री है, इतना ज़्यादा आप धुआं का उत्सर्जन करते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है, जंगल कटते जा रहा है ना। उसके बाद जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जानवरों का शिकार होते जा रहा है, तो यह सबसे क्या हो रहा है, हमारा जो जैव विविधता है वह खतरे में आ गया है, ठीक। तो इसको बचाने के लिए हमको इसका संरक्षण करना आवश्यक है, ठीक। अच्छा, इसको संरक्षण करने के लिए समाज और सरकार ने इन जीवों की सुरक्षा के लिए अनेक विधियां और नीतियां अपनाई है, ठीक है। तो क्या विधि और नीति अपनाई है, तो सरकार ने क्या किया है, अभयारण्य बनाया है, राष्ट्रीय पार्क बनाया है और जैव मंडल बनाया है, ठीक है। क्या क्या बनाया है, अभयारण्य जिसको स्कैंचुरी कहते हैं इंग्लिश में, राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क होता है, और जैव मंडल मतलब इसको कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभयारण्य क्या है, तो जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है, अभयारण्य कहलाता है, ठीक है। जैसे आपके बिहार में आप चिड़ियाघर गए होंगे घूमने, ठीक है, वह क्या है, अभयारण्य है ना। वाल्मीकि नगर में जाइए, गए होइएगा आप, तो वहाँ पर भी क्या है, अभयारण्य है। अच्छा, इसके बाद फिर राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय पार्क क्या है, तो वन्य जंतुओं के लिए, मतलब वन में रहने वाले जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है, वहाँ जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्क में आप अभयारण्य में तो जा सकते हैं, घूम सकते हैं, जीव जंतुओं को देख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ सिर्फ पेड़ पौधे और जीव जंतु ही अपना रहेंगे, ठीक, वहाँ किसी दूसरा को अलाउ नहीं है जाने का। उसके बाद फिर है जैव मंडल, तो जैव मंडल जो है वह बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पे जहाँ पे पौधे बहुत ज़्यादा है, जीव जंतु रहते हैं, है ना, उसको जैव मंडल घोषित कर दिया जाता है और वहाँ पे किसी भी इंसान को बसने नहीं दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधा और जीव जंतु ही रहेगा, या फिर आदिवासी जो होते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं आदिवासी, वह रह सकता है और दूसरा कोई नहीं रह सकता है। और यह जो जैव मंडल होता है वह बड़े बड़े क्षेत्रों में होता है, यह बड़े हज़ारों किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह सब होता है, ठीक है। पाठवीं कक्षा के भूगोल में पढ़ भी चुके हैं कि आपके देश में कुल 85 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 448 अभयारण्य हैं और 16 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। देखिए इसमें आपके बिहार में कांवड़ झील पक्षी विहार है जो बेगूसराय में है, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है, ठीक है। उसके बाद फिर पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया में ये वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य है, ठीक। तो इस तरह से सरकार और समाज ने वन और वन में रहने वाले जंतुओं के लिए अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल बनाकर क्या किया है, उनको सुरक्षा प्रदान किया है, ठीक। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लेंगे और याद भी रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया है, ठीक है। हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह अपने उस साल को किसी न किसी वर्ष के रूप में घोषित करता है, जो 2010 में क्या घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, इसको भी आप लिख के याद रखेंगे कि हर साल प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, कब, 22 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे।
देखिए आपके किताब में कि ये आपके चैप्टर के पीछे में कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क का नाम दिया हुआ है, और इसका किस जीव को बचाने के लिए यह पार्क बनाया गया है उसका भी नाम दिया हुआ है, मतलब कौन सा जीव इस पार्क में ज़्यादा है उसका भी नाम यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी में भी लिख लेंगे, इसको याद भी कर लेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे। जिसमें देखिए एक नंबर में है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। यह देश का पहला राष्ट्रीय पार्क है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1936 में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें कौन सा जानवर ज़्यादा रहता है, बाघ रहता है। ठीक, उसी तरह काजीरंगा अभयारण्य है, जो कहाँ उपस्थित है, असम में है। इसमें एक सिंह वाला गेंडा महत्वपूर्ण रूप से रहता है। ऐसा तो बहुत सारा जीव जंतु रहता है, लेकिन एक सिंह वाला गेंडा के लिए यह फेमस है। वैसे यहीं गिर अभयारण्य है, जो कहाँ है, गुजरात में है। इसमें सिंह, चीतल और सांभर का ज़्यादा संख्या है। वैसे ही देखिए यह 15 का सूची है, जिसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, इसको याद भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट जीव जंतु। विलुप्त को इंग्लिश में एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो देखिए पर्यावरण असंतुलन के कारण बहुत से जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, और कुछ जीव विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, है ना, लुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, एकदम शून्य हो जाना। कहने का मतलब है बहुत ऐसा पेड़ पौधा और जीव जंतु है जो हमारे पृथ्वी पर पहले था लेकिन अब एक भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे जीव जंतु को हम क्या कहते हैं, विलुप्त जीव जंतु कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको विलुप्त पौधा में दिया है, जंगल की कटाई से अनेक एल्गी, बहुत सारे एल्गी जिसको शैवाल कहते हैं, और बहुत सारे फंजाई जिसको कवक कहते हैं, ब्रायोफाइटस, फर्न्स एवं जिम्नोस्पर्म, जिंको, साइकेड आदि पौधे क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए। यह जो पौधा सबका जो नाम है, यह सब पौधा क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है। विलुप्त का मतलब अब यह इस पृथ्वी पर है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है अगला है विलुप्त, अभी तो पौधा का पढ़े हैं, अब अगला है विलुप्त जंतु। बहुत ऐसे जंतु है जो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, मतलब वह अब इस पृथ्वी पर हैं ही नहीं। जैसे मॉरीशस का डोडो पक्षी और डायनासोर। ठीक है, डोडो पक्षी पहले था लेकिन अब एक भी नहीं है। डायनासोर हमारे पृथ्वी पर पहले था बहुत, लेकिन अब एक भी नहीं है। ठीक है, देखिए डोडो पक्षी का एक कहानी है, देखिए यही है डोडो। ठीक है, आप जो चिकन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, वैसा ही यह चिकन के जैसा ही है डोडो। ठीक है, इसका मांस जो है ना बहुत स्वादिष्ट लगता था और यह आसानी से पकड़ा भी जाता था। तो मॉरीशस का लोग क्या किया, इसको पकड़ पकड़ के खा के ख़त्म कर दिया इसको, है ना। आज के डेट में यह डोडो एक भी नहीं है। आज मॉरीशस द्वीप से पूरी तरह से डोडो विलुप्त हो चुका है। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा विलुप्त जीव जंतु, एक्सटिंक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमारा अगला टॉपिक है विलुप्त प्राय जीव जंतु यानी इनडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए विलुप्त का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना, अब इस पृथ्वी पर वो है ही नहीं। और विलुप्त प्राय का मतलब होता है कि वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने के कगार पर है, इसे वो कहते हैं विलुप्त प्राय। आई बात समझ में, विलुप्त प्राय का मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो देखिए कुछ जीव जंतु है जो अपने अस्तित्व के लिए क्या है, संघर्षरत है, मतलब उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इन सभी को क्या कहते हैं, विलुप्त प्राय कहते हैं। जैसे देखिए कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेढक, बहुत मेढक, सारा मेढक नहीं, कुछ मेढक, चील, गिद्ध, कबूतर, बत्तख, यह सब जो हाथी है ना, श्वेत आँखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, भेड़िया, जंगली कुत्ता, यह सब जो जंतु सब है, यह धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। और धीरे धीरे कुछ साल, 100 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल के बाद क्या होगा, यह ख़त्म हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा पृथ्वी पर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम विलुप्त प्राय जीव जंतु। ठीक है, कि इस विलुप्त प्राय जीव में सबसे महत्वपूर्ण जंतु जो है वह बाघ है। ठीक है, यह देखिए बाघ जो है इसका अस्तित्व क्या है, खतरे में है, यह धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। देखिए शिकारियों द्वारा इसका खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि क्या होता है, बेचा जाता है। शिकारी क्या करता है, इसको मार के, यह जो चारों चीज़ है यह बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, बाघ का जो खाल होता है, हड्डी होता है, दांत, नाखून, यह सब बहुत महंगा बिकता है। इसलिए शिकारी लोग क्या कर रहे हैं, इसको मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, तो मारते मारते एकदम ख़त्म हो जाएगा, एक भी बाघ नहीं बचेगा। ठीक, तो इसके सुरक्षा के लिए हमारे देश का यह राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। आपको पता है आपके भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। ठीक, इसके अलावा ये बहुत सारे बाघ परियोजनाएं लागू की गई। ठीक है, देखिए पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश में कितने बाघ थे, 40,000 बाघ थे। ठीक है, कितने बाघ थे, 40,000। लेकिन 2011 में जब इनका गणना हुआ तो मात्र 1706 बाघ ही बचे। 2011 में जब गणना हुआ बाघ की, कई गो बाघ है, तो कितना बाघ बचा हुआ था, मात्र 1706। सोचिए 40,000 और कहाँ 1706। ठीक है,
इसी तरह हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी ये मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर क्या किया, संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मोर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो इसलिए मोर को क्या किया गया, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया ताकि उसको लोग मारे नहीं, उसको प्यार करें। ठीक, अब देखिए बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरुआत किया गया। ठीक है, इस पर आप लिखते चलें, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे आप उसको पॉइंट वाइज अपने कॉपी में लिख लेंगे ताकि आप फिर उसको रिविजन कर सकें। तो बाघों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया, 1972 में। ठीक है, देखिए विलुप्त प्राय जंतु में हमारा जो अगला है, मतलब जो खत्म हो रहा है वह है, देखिए यह गंगा की डॉल्फिन, इसको सोंस कहते हैं। ठीक है, सोंस, इसको डॉल्फिन, इसका नाम डॉल्फिन भी है या गंगा का डॉल्फिन नाम से भी जाना जाता है बिहार में। ठीक है, देखिए सोंस या डॉल्फिन का भी अस्तित्व क्या है, खतरे में है, यह भी धीरे धीरे बहुत खत्म होने के कगार पर है। यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। ठीक है, स्तनधारी मतलब ऐसा जीव जिसको स्तन होता है, और ऐसा जीव जो अंडा नहीं देता है वो डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है, उसको क्या कहते हैं, स्तनधारी जीव कहते हैं। तो यह एक स्तनधारी जीव है सोंस डॉल्फिन, और सबसे बड़ा बात यह है कि डॉल्फिन जो है यह बुद्धिमान जीवों में से एक है। जैसे बंदर होता है ना, कुत्ता होता है, क्या होता है, बुद्धिमान जीव होता है, वैसे ही डॉल्फिन भी क्या है, बुद्धिमान जीव है। और उनका अक्सर दोस्ताना व्यवहार और हमेशा खुश रहने की आदत ने इन्हें मनुष्यों के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, यह लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था, यह कौन, गंगा डॉल्फिन। अपने देश में यह गंगा नदी में पाया जाता है, हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है, गंगा नदी में। ठीक है, बिहार में बक्सर से कहल गांव के बीच जो गंगा नदी है, ठीक है, उसमें यह सोंस पाया जाता है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। देखिए इसके शरीर से निकले तेल और इनका औषधीय प्रयोग, मतलब इसके तेल से क्या होता है, दवाई बनता है, ने क्या किया है, इसका शिकार का कारण, यह बहुत बड़ा शिकार का कारण है। ठीक है, इसको लोग क्या करता है, इसको मार के और उसके शरीर से तेल निकालता है और उसका दवाई बनाता है, जिस कारण क्या हो गया, गंगा डॉल्फिन जो है वह धीरे धीरे एकदम खत्म होने का कगार पे है। ठीक, इनकी संख्या क्या हो रही है, विलुप्त होती जा रही है। ठीक, यही कारण है कि आज 2000 से भी कम गंगा डॉल्फिन बची है। ठीक, मात्र 2000 से भी कम वह गंगा डॉल्फिन जो जीव है वह बचा हुआ है। इसलिए इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने गंगा नदी में पाई जाने वाली सोंस को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ठीक, इसीलिए इस गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए है ना, भारत सरकार ने क्या किया है, गंगा नदी में पाए जाने वाले सोंस को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ठीक, यहाँ से भी एक जीके हो गया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो सोंस, गंगा नदी में पाई जाने वाली सोंस या डॉल्फिन। ठीक, देखिए इसी विलुप्त प्राय जीवों के बारे में आगे आपके किताब में कह रहा है कि बड़े जानवरों पर विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा है ना, जो जानवर बड़ा है या फिर जो जीव बड़ा है उस पर विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा रहता है, मतलब खत्म होने का खतरा ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा भोजन का आवश्यकता पड़ता है, उसको ज़्यादा खाने, पेट भरने के लिए ज़्यादा भोजन चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए, है ना, और सबसे बड़ा बात कि वह एक बार में एक ही बच्चा पैदा कर पाता है। ठीक है, या मुश्किल से दो बच्चा पैदा कर पाता है, तो इस तरह से क्या होता है, वह उसका जनसंख्या जल्दी से बढ़ता नहीं है, और वह उसको चूंकि ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा उसको रहने के लिए जगह चाहिए, तो वह अगर नहीं मिल पाएगा तो वह क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन छोटा जीव जो है वह ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि छोटा जीव को खाना कम चाहिए जो कहीं भी उसको आसानी से मिल जाता है। ठीक, और उसका जो प्रजनन क्षमता है, मतलब वह एक बार में 10-10, 20-20 सैकड़ों बच्चा पैदा करता है। ठीक है, जैसे देखिए मच्छर है ना, मच्छर आप कितना भी चाहिए ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म ही नहीं होगा। अब इसी में देखिए आपके किताब में एक टॉपिक दिया हुआ है, वह है प्रवासी पक्षी। देखिए प्रवासी का मतलब होता है ऐसा आदमी जो मतलब दूसरे देश में रहता हो और हमारे देश में घूमने आया हो, उसको क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। ठीक है, तो प्रवासी पक्षी का मतलब दूसरे देश से आया हुआ पक्षी। ठीक है, ये पक्षी संसार के अन्य भागों यानी जैसे साइबेरिया और न्यूजीलैंड, देखिए साइबेरिया जो है वह रूस का एक जगह है, हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, और न्यूजीलैंड जो है वह ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक देश है, वहाँ भी बहुत ठंडा पड़ता है। ठीक है, तो जब इस देश में जब ज़्यादा ठंडा पड़ने लगता है तो वहाँ का पक्षी सब, चिड़िया सब जो होता है वह हमारे देश में आ जाता है। सोचिए इतना दूर से उड़ के हमारे देश में आ जाना कितना चकित करने वाला बात है। ठीक है, तो राजस्थान में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है भरतपुर पक्षी विहार। ठीक है, तो यहाँ पर साइबेरिया और न्यूजीलैंड से पक्षी आते हैं,
है बात समझ में, चूँकि साइबेरिया और निचले में जब ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो वहाँ से ठंडा को झेल नहीं पाते हैं ये पक्षी, तो उड़ के कहाँ आते हैं, राजस्थान के भरतपुर में आ जाते हैं। ठीक, फिर जब वहाँ पे सामान्य जब मौसम होता है तो फिर यहाँ से उड़ के वह अपने घर चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद है ठीक इसी प्रकार आपके राज्य में भी बेगूसराय जिला में एक कांवड़ झील पक्षी विहार है। ठीक है, कांवड़ झील पक्षी विहार, तो इसमें भी प्रवासी पक्षी साइबेरिया आदि जगहों से बड़ी संख्या में आते हैं। तो आपके बिहार में भी जो कांवड़ झील है यहाँ भी साइबेरिया से पक्षी आता है, सोच लीजिए इतना दूर से उड़ते उड़ते बिहार में आता है। अब हमारा अगला टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है रेड डाटा बुक, रेड डाटा पुस्तक। तो देखिए अभी जो आप पढ़े हैं कि विलुप्त प्राय जंतु जीव जंतु, मतलब ऐसे जीव जंतु जो अब खत्म होने के कगार पे हैं, अभी खत्म हुए नहीं, अभी है लेकिन ख़त्म हो जाएंगे, तो वैसे जीव जंतुओं का सूची जो है वह कहाँ रखा जाता है, रेड डाटा पुस्तक में। ठीक है, रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन्न का मतलब होता है ऐसे प्रजाति जिनका जो जीवन है वह क्या है, प्रजाति जो है वह संकट में है, अब ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, तो वैसे प्रजातियों का रिकॉर्ड डाटा रखा जाता है कहाँ, रेड डाटा बुक में। ठीक है, इसमें पौधों के लिए अलग और जंतुओं के लिए अलग अलग डाटा रहता है। तो अब आइए इस अध्याय के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इसको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। आप पहला प्रश्न है, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों उनमें आपसी संबंध को क्या कहा जाता है। जैव विविधता पढ़ सके हैं, पढ़ लिए हैं, इसी का यह क्या है परिभाषा है। अगला है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है क्या क्या चीज़ करना मना है, कृषि, शिकार, चारागाह। देखिए अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में यह सब चीज़ करना मना है। ठीक है, वहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे जो है खुशी से रह सकते हैं, वहाँ उनको कोई रोक टोक नहीं करेगा। अगला है तीन नंबर, निम्न में कौन से जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। तो देखिए बाघ विलुप्त होते जा रहे हैं, ब्लू व्हेल, गेंडा सब विलुप्त होते जा रहे हैं, इसमें क्या होगा विलुप्त, उपयुक्त सभी होगा। अगला है, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा में रहने वाला डॉल्फिन जिसको सोन्स भी कहते हैं। ठीक, अगला है, कांवड़ पक्षी विहार कहाँ है, बिहार के बेगूसराय में है। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो डैश को पृथ्वी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, आप पढ़ चुके हैं कब, 22 मई को। ठीक है, उसके बाद अगला है, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है क्या है, जिम कार्बेट कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है। ठीक, अगला है, संकटापन्न प्रजातियों की सूची या अभिलेख डैश पुस्तक में रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है, रेड डाटा बुक में। ठीक है, रेड डाटा पुस्तक में। अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के डैश में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो देखिए प्रवासी पक्षी जो है जो विदेशों से आते हैं वह वहाँ के मौसम में परिवर्तन के कारण भाग आते हैं, वहाँ से पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मौसम या जलवायु भी लिख सकते हैं, मौसम ही सही रहेगा। अगला है, फर्न सहवाल जिनको साइकेड आदि विलुप्त पौधे हैं, आप पढ़ चुके हैं है ना, यह कौन से कैसे पौधे हैं, विलुप्त पौधे हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें आपको कॉलम क से कॉलम ख को मिलाना है। तो डोडो, डोडो क्या है, यह मॉरिशस का एक विलुप्त जंतु है जो जिसका मांस काफ़ी स्वादिष्ट लगता था, लोग इसको इतना न मार के खाया कि खत्म कर दिया। अगला है, गंगे डॉल्फिन सोन्स या गंगा नदी में पाया जाने वाला विलुप्त हो रहा है स्तनधारी है। ठीक, अगला है, वाल्मीकि अभयारण्य यहाँ पर बाघ पाया जाता है। अगला है, काजीरंगा अभयारण्य जो असम में है या इसमें एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, अगला है, फर्न जिंको साइकड अभी आप पढ़े हैं या क्या है, विलुप्त हो रहे पौधे हैं। ठीक, अब इसमें अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, यह अंडरलाइन किया हुआ। जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियाँ तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न है दो नंबर, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जैव विविधता के कारण ही हम इस पृथ्वी पर स्वस्थ और सुखी जीवन जी पाते हैं, और आजकल अत्यधिक प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जनसंख्या, जानवरों का शिकार इत्यादि से हमारा पर्यावरण क्या हो गया है, खतरे में आ गया है, अतः जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विनाश के मुख्य कारण एवं उसके प्रभाव बताइए। तो देखिए विनाश जो है, विनाश का मुख्य कारण आप लिख सकते हैं जंगल या वनों की कटाई,
उसके बाद जीव जंतुओं का शिकार, फैक्ट्रियों तथा मानव अपशिष्टों से बढ़ता प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, यह सब क्या है? यह सब विनाश का मुख्य कारण है। अच्छा, अब इसका प्रभाव आप लिख सकते हैं, इसका क्या क्या प्रभाव है? तो इसका प्रभाव है पर्यावरण का असंतुलित होना, उसके बाद दूसरा में लिख सकते हैं विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु, तीसरा में लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद आप लिख सकते हैं मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? यहाँ से लिख सकते हैं वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर, प्रवास से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि प्रवास का अर्थ है अपने मूल प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में जाकर अपना जीवन यापन करना, उसे वो क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। जैसे साइबेरिया से पक्षी सब क्या होती है, हमारे बिहार में कांवड़ झील पक्षी बिहार में आती है क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है? अपने राज्य के किन्हीं 2 अभयारण्यों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, अभयारण्य जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र है, और दूसरे में लिख सकते हैं राष्ट्रीय पार्क में वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क का परिभाषा आप यहाँ से लिख लिए। ठीक, अब आपको इस प्रश्न में पूछ रहा है कि अपने राज्य के 2 अभयारण्य का नाम लिखने के लिए, तो देखिए यहाँ पे है वाल्मीकि अभयारण्य बिहार, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद है कांवड़ पक्षी बिहार बिहार में। ठीक है, यह दोनों आप लिख सकते हैं। ऐसा तो बहुत सारा, यह भी है गौतम बुद्ध अभयारण्य भी है, यह कहाँ है? गया में है। आपको दुइयों को लिखने के लिए कह रहा है तो आप यह दोनों लिख सकते हैं, यह पश्चिमी चंपारण में है, यह बेगूसराय में है। देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताइए। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह बाघों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित यह एक योजना है जिसका आरंभ कब किया गया था? 1972 में किया गया था। बाघ हमारे देश में विलुप्त प्राय पशु है, यानी खत्म हो रहा है, जो 40,000 से घटकर 2011 में मात्र 1706 ही बचा था। ठीक, इसकी सुरक्षा के लिए ही सरकार ने इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया है। ठीक है, आप लिख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाकलाप की सूची तैयार कीजिए। तो या तो आपको कहने के लिए कह रहा है आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या बताएं आपको, लेकिन इसका हम सलाह देंगे आपको कि विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए हम विद्यालय में पौधारोपण करेंगे। ठीक है, हरा भरा रखने के लिए और दूसरा क्या कर सकते हैं? हम पौधारोपण करेंगे, वो कचरा नहीं फेंकेंगे इधर उधर। इसके अलावा समय समय पर हम इन पौधों का ख्याल रखेंगे ताकि विद्यालय हरा भरा रहे, ठीक है, और इन पौधों का विकास हो सके। होता क्या है कि लोग पौधारोपण कर देता है, उसके बाद भूल जाता है, पौधा सूख जाता है। हमारे विद्यालय में भी ऐसा ही हुआ, बहुत सारा पौधा लगाया, वहाँ के मुखिया जी लोग बहुत लोग आ गए, है ना, और आज के डेट में एक भी पौधा नहीं है, सारा पौधा सूख गया। तो सिर्फ पौधारोपण ही करना नहीं, पौधारोपण करके समय समय पर उनका ख्याल रखना भी जरूरी है, तब आपका विद्यालय हरा भरा रहेगा। तो बच्चों, यह था आपका अध्याय 12, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। यह आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।